चलिए अभी SNO2 की कुछ प्रॉपर्टीज तो अपने देख ली थी ना यहाँ तक, दैट इज अप टू रिएक्शन नंबर 4। अब क्या है SNO2 का आगे हमको क्या देखना है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर एंड सम एडिशनल रिएक्शंस, ठीक है। एंड एक बार आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत आसान ही वाले रिएक्शंस को याद रखना है ना। SNO2 के लिए अपन ने क्या बोला, अनस्टेबल होता है और क्या हो जाता है इसका, ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब किसमें चेंज हो जाता है, NO में चेंज हो जाता है और SNO3 में चेंज हो जाता है। मतलब ये +3 से +2 में जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो तभी कौन सा बिहेवियर शो करेगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। और जब ये क्या करता है, HNO2 HNO3 में जाता है, तो +3 से +5 में जा रहा है, तो तब क्या हो रहा है ये ऑक्सीडाइज, मतलब तब ये क्या शो करेगा, दैट रिड्यूसिंग बिहेवियर, ठीक है। तो HNO2 की जो ऑटो ऑक्सीडाइज या डिसप्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी होती है वो क्या बनवा देती है इसको, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों बनवा देती है, ठीक है। साथ ही साथ में HNO2 क्या भी होता है, सोर्स ऑफ NO2 नेगेटिव, इस वजह से कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी होता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है ना कि HNO2 कैन फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। समझ आ रही बात ये, है ना। तो बस इसी को बेस बनाकर अपन इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा तो इसका खुद का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, और ये रिड्यूस होके किस में जाने वाला है, HNO2 से NO में जाने वाला है। अभी आप देखोगे यहाँ पर ट्वाइस ऑफ HNO2 +H2O +2NO, और ये ऑक्सीजन किस काम में आ जाएगी, ऑक्सीडेशन के काम में आ जाएगी। तो आप सारे रिएक्शन से ये वाली चीज कॉमन देखोगे ना, दीज आर एक्सट्रीमली सिंपल टू कीप इन मेमोरी। समझ आ रही बात ये, है ना। तो जैसे HNO2 ने क्या किया, SNCl2 को ऑक्सीडाइज किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो SNCl2 ऑक्सीडाइज होके जाएगा कहाँ, SNCl4 में। साथ में कौन सी चीज है, HNO2 आपने लिया है तो उसका तो रिडक्शन किस में होना था, दैट इज इन NO, और क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ पर बनने वाला है। समझ आ गई बात ये। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, SNCl4 NO एंड H2O। समझ आ गया। सिमिलरली अगले रिएक्शन जैसे क्या आए हैं, तो इसमें ऑक्सीडाइजेबल कौन है, दैट इज आई निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, आई निगेटिव का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दैट इज इन I2। साथ में क्या बन गया, K2SO4, क्योंकि रिएक्शन अपन ने किस में करवाया था, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, साथ में NO और वाटर तो बननी ही थे, ठीक है। तो ये आई निगेटिव को I2 में ले जा रहा है ना, KI के इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, खुद रिड्यूस हो रहा है NO में, साथ में वाटर बनना ही है, क्लियर है ना। नेक्स्ट वाले रिएक्शन, H2S को ऑक्सीडेशन किस में करवाएगा, सल्फर में, खुद फिर से गया NO +H2O, है ना। एक्सट्रीमली सिंपल रिएक्शन, SO2 को ले जाएगा किस में, H2SO4, खुद गया किस में, दैट इज इन NO। इस बार एक्चुअली हुआ क्या था, SO2 SO3 में गया था, और वो जो वाटर बनता है रेडॉक्स रिएक्शन में, उस वाटर की SO3 से रिएक्शन करके क्या बना दिया हमने, दिस H2SO4। समझ आ गया। इसके बाद फिर ये आर्सेनाइट को, है ना, Na3ASO3, इसको ले जाएगा किस में, Na3ASO4, साथ में NO, और वाटर का बनना फिक्स है, वो बैलेंसिंग भी सारी जगह क्या है, ट्वाइस NO ट्वाइस ऑफ NO चलता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाली जो ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें क्या हो जाएगा, ये FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आयरन को +2 से +3 में ले जाएगा, तो बन जाएगा क्या, यहाँ पर Fe2SO4 होल थ्राइड, साथ में इट इज NO एंड व्हाट दैट, H2O। समझ आ गई बात ये। तो ये वाली जो सारे रिएक्शंस हैं, इन सारे रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, HNO2 ने क्या फंक्शन शो किया, दैट इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,